देश भर में चुनाव प्रचार का शोर है और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 सीट का दावा कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है और नेताओं के भविष्य पर भी चर्चा हो रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन हैं। शाहनवाज जी, स्वागत है न्यूज 24 में आपका। सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि 400 सीट का दावा प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, किस आधार पे? दक्षिण में तो पार्टी कहीं दिखती नहीं है। देखिए, ये उसी तरह का आपका सवाल है जिस तरह हम लोग 181-182 तक गए थे। जब मोदी जी आए थे तो कहा था मिशन 272 प्लस, जनता ने बढ़ा के 283 दे दिया। हम लोगों ने पिछली बार कहा तो इसी तरह आपके जैसे सेकुलर पत्रकार हम लोगों को कह रहे थे कि कहां से लाएंगे। कहा 300, जनता ने दिया 303। अब जब कहा मिशन 400 तो लोग कह रहे हैं कहां से लाएंगे। क्या साउथ में हमारी पैठ नहीं है? क्या तमिलनाडु में प्रधानमंत्री की रैली में भीड़ नहीं देख रहे? नहीं, साउथ में पैठ है, कर्नाटक में सत्ता आपके हाथ से कांग्रेस ने छीन ली। सत्ता विधानसभा में तो कई बार चली जाती है ना। बंगाल में तो हम विधानसभा में 73 ही सीट जीते, सरकार नहीं आई थी। बिहार में भी हमारी सीट बहुत थिन मेजोरिटी से आई, लेकिन लोकसभा हम जीते। लोकसभा का चुनाव गौरव जी और विधानसभा का चुनाव अलग अलग तर्ज पे होता है। तो तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, इन तीन में हम दावा करते हैं कि बहुत मैक्सिमम सीट हम जीतने वाले हैं। सब लोग चौंक जाएंगे, कहां से आ गई सीटें? फिर कहेंगे ईवीएम पर नाम लेंगे। इसलिए मैं पहले ही दावा कर रहा हूं। जहां तक सवाल है केरल का, केरल में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी चौंक आएगी सबको। इसलिए देश के लोग क्यों खोना चाहेंगे मोदी को? हर व्यक्ति चाहता है मेरा प्रधानमंत्री मोदी बने। तो जब आप बनते हैं, एमपी बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं? पीएम बनाने के लिए। अब देश के लोगों ने एक अलग सिस्टम जग गया है, जैसे प्रेसिडेंशियल चुनाव होता है वैसा हो रहा है। लोग कह रहे हैं क्या करना है? कह रहे हैं मोदी को पीएम बनाना है। अब एमपी का उम्मीदवार मैटर ही नहीं करता, स्टेट का फैक्टर मैटर ही नहीं करता। अब मैटर एक ही करता है कि मोदी 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 बस। बिहार में 39 सीट पिछली बार आप लोग लेकर आए थे, इस बार 40 का दावा कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष का भी गठबंधन बना है। अब तो वीआईपी पार्टी भी महागठबंधन जो बिहार में है उसके साथ है, तो कैसे 40 की 40 सीट का दावा कर रहे हैं? देखिए, कल से जब से वीआईपी पार्टी आरजेडी में जुड़ी है तब से ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, हवा बनाया जा रहा है कि जैसे बहुत बड़ा कमाल तेजस्वी यादव जी ने किया। भाई, तेजस्वी जी पिछली बार भी वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी सन ऑफ मल्ला आपके साथ थे, 3 सीट लड़े थे, खुद भी हार गए थे और वो 2 सीट और भी हरा गए थे। उनको मिला था 0, आरजेडी को मिला था 0, 2 0 मिलेंगे तो फिर हो जाएंगे 0 और हीरो बनेंगे मोदी। तो इस बार किशनगंज की सीट हम लोग पिछली बार नहीं जीते थे, इस बार वो भी जीतेंगे। तो मिशन 40 है मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। पिछली बार गुजरात ने, राजस्थान ने, दिल्ली ने, कई अन्य राज्यों ने 100% सीट दी। हम बिहारियों के मन में मलाल था कि हमसे कुछ कमी रह गई, हम 39 दे पाए। अच्छा, इस बार वो मलाल दूर होगा, 40 के 40। अच्छा, इसी मजबूरी में नीतीश जी को साथ लेकर आए आप लोग, क्योंकि पहले तो दरवाजा बंद करके रखे थे उनके। देखिए, दरवाजा बंद और खुला क्या होता है? हम लोग तो चौखट उखाड़ दिए हैं, अब वो आ गए हैं। यानी कोई चौखट नहीं है, दरवाजा नहीं है, कोई दीवार नहीं है, कोई बीच में चिलमन नहीं है कि झांक ताक हो, इधर चिलमन से हम झांकें, उधर चिलमन से तुम झांको, लगा दो आग चिलमन को, न हम झांके न तुम झांको। तब हमारे उनके बीच में न दीवार है, न दरवाजा है, न चिलमन है, अब हम एक हैं। और वो मंच पर कह चुके हैं कि हम इधर उधर चले गए थे, अब नहीं जाएंगे, तो पूरा गारंटी दिए हैं, या साथ में मोदी की गारंटी है। नहीं, आप ही का बयान एक बड़ा फेमस हुआ था कि जब दिल्ली से उड़े तो उद्योग मंत्री थे और पटना लैंड किए तो सरकारी नहीं थी, तो उस वक्त भी कहते थे कि मैं उद्योग मंत्री हूं, आना सरकार में हूं,
तो इसलिए आप मेरे बयान से मत डरिए, मेरे उड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पहली बार उड़ के गए थे तो सरकार चली गई थी, मैं मंत्री नहीं था, लेकिन मंत्री रहते जो मैंने एक साल में काम करना था, एक ही साल मौका मिला। पार्टी का आदेश था कि जाके काम करो, तो एक साल में 17 इथेनॉल प्लांट, टेक्सटाइल के काम, जो करना था वो झलक मैंने दिखा दिया। मुझे जो जिम्मा मिलता है वो मैंने कर दिया। नहीं, आपका काम, आप कहते हैं कि आपने काफी काम किया एक साल में, लेकिन आपके काम का अवार्ड क्या मिला? अब आप एमएलसी भी नहीं है, एमएलसी का टिकट दोबारा नहीं मिला आपको, तो हुआ कि लोकसभा का चुनाव लड़ाएगी पार्टी, लोकसभा भी का भी टिकट सबका सब ऐलान हो गया, वो भी आपको नहीं मिला, तो आप शाहनवाज हुसैन क्या करेंगे? खाली हैं? एक सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा था, वो बता रहा हूँ आपको, हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, लेकिन चूंकि सोशल मीडिया पे आप भी एक्टिव रहते हैं, जिस दिन ये तमाम चीजें हुई तो शाहनवाज को उस दिन सोशल मीडिया पे आया कि शाहनवाज को पार्टी ने पैदल कर दिया, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मैं तो कार्यकर्ता हूं साधारण सा, आप मुझे बहुत बड़ा पंपम बाबू न मानिए। मैं एक, मुझे आप इंटरव्यू लेने आए हैं, मुझे बीजेपी का एक साधारण कार्यकर्ता मान के मानिए। मैं बस में चलता था तो पार्टी ने टिकट दिया, पार्टी ने मंत्री बनाया, पार्टी ने केंद्रीय चुनाव समिति में रखा, पार्टी ने प्रवक्ता बनाया। और अगर आज पार्टी को लगता है कि मैं गौरव जी के सवाल का जवाब दूं, तो उस काम वो काम है, तो मैं आपको जवाब दे रहा हूं। कल उत्तराखंड जा रहा हूं, 4 सभा वहां करूंगा, फिर कश्मीर जाऊंगा, फिर बिहार में जाऊंगा। तो पार्टी ने मुझे दिया है, अब मुझे पार्टी कुछ दे न दे, जो जिम्मेदारी देगी, पार्टी कहेगी पोस्टर लगाओ, सिर्फ भाषण करो जाके, जो काम पार्टी देगी मैं करूंगा। मैं शाहनवाज हूं, दगाबाज नहीं हूं। वाह, ये बात ठीक है, लेकिन हर नेता की राजनीति में इच्छा होती है। 2014 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद आप 7-8 साल तक राजनीतिक निर्वासन कह सकते हैं, आप राजनीतिक निर्वासन में थे। उसके बाद जम्मू कश्मीर गए, वहां आपने लोकल बॉडी इलेक्शन में काम किया, पार्टी को कुछ फायदा हुआ, उसका इनाम बिहार में आपको मिला। लेकिन अचानक से आपने इतना बेहतर काम किया एक साल के अंदर, 17 इथेनॉल प्लांट, जहां बिहार में फैक्ट्री की आप बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, उस जगह के माहौल को बदला, लेकिन फिर से पार्टी ने वो पद, जब दोबारा नीतीश जी के साथ आप आए तो पद वापस लेकर आपको घर बैठा दिया। अब ये मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ या शाहनवाज हुसैन का प्रवक्ता? नहीं, अपनी बात तो आप कह सकते हैं। मैं अपनी बात क्या कहूँ, मैं तो ये कहता हूँ, पार्टी ने हुक्म दिया जाओ कश्मीर, कमल खिलाओ, खिलाए। पार्टी ने कहा जाओ बिहार, बिहार गए, इंडस्ट्री में काम किया। पार्टी ने कहा कि अब पार्टी का काम करो, पार्टी का काम करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी का 24 कैरेट का कार्यकर्ता हूँ, मैं कार्यकर्ता ही बन रहना चाहता हूँ। और पार्टी ने आज लोकसभा की सीट हमारी, जो भागलपुर में जहां मैं मेहनत कर रहा था, वो अलायंस में जेडीयू के खाते में गई है, तो जेडीयू के खाते में गई। तो अगर पार्टी वहां मुझे नहीं देके कोई बीजेपी के और व्यक्ति को देती, था सवाल पूछते, वो सीट ही नहीं है तो पार्टी कहां से ला के देगी? एमएलसी? अब एमएलसी मुझे कोई योजना होगी पार्टी की? अब पार्टी ने अगर वहां बिहार में नहीं रखा मुझे, तो ये कहना कि मुझे पैदल कर दिया, दूध में मक्खी की तरह फेंक दिया, तो ये कर दिया। वो जो मेरे विरोधी हैं, वो ज्यादा देर तक खुश रहने वाले नहीं हैं। अगर ये सोच रहे हैं कि शाहनवाज पैदल हो गया, तो ठीक है, तुम अपनी खुशी पे इतरा लो, लेकिन मैं कार्यकर्ता हूं, तुम्हारे खुशी पर पानी फेरना मेरे नेतृत्व को आता है। बिहार में जातीय समीकरण का आधार अगर देखा जाए, कि चूंकि चुनाव में बिहार में खासकर जाति हर जगह होता है, लेकिन बिहार की चर्चा ज्यादा होती है, इस बार आप लोगों ने अग्रों पे ज्यादा जोर दिया है, पिछड़े जो ओबीसी कहते हैं आप लोग कि हमारे कोर में है, उसके विकास के लिए हम ज्यादा काम करते हैं, उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए काम करते हैं, केंद्र में 28-30 मंत्री बनाकर रखे, लेकिन बिहार में जब जातीय समीकरण की बात हुई तो पिछड़े वर्गों पे को टिकट आप लोगों ने इस बार थोड़ा कम दिया लोकसभा में। नहीं दिया है, सही, कई लोगों को टिकट दिया है। अब बहुत सी जातियां हैं, अब हर जाति को आप कहेंगे सीट लड़ रहे हैं, 17 बिहार में जाति है 300, तो क्या 300 टिकट बांटे वहां? हर जात को तो नहीं दे सकते, और हम लोग धर्म के नाम पर भी टिकट नहीं देते हैं। अजय निषाद सन ऑफ मल्ला, मल्ला जाति से हैं, 4 बार उनके पिताजी मुजफ्फरपुर से सांसद रहे, 2 बार वो खुद रहे, इस बार आपने उनको पैदल कर दिया, दोनों को पार्टी ने टिकट बेटिकट कर दिया है। देखिए, सन ऑफ मल्ला वो है, लेकिन वहां भी हमने सन ऑफ मल्ला को ही दिया है, और हम तो सन ऑफ अल्लाह नहीं, अल्लाह के बंदे। तो हमारे यहाँ देखिए, हम कार्यकर्ता को जब देखते हैं
मुझे आज तक जो कुछ भी मिला है वो मैं मुसलमान हूं इसलिए मिला है, ऐसा नहीं। और मेरे लिए जो भी निर्णय किया है पार्टी ने वो इसलिए कि मैं मुसलमान हूं इसलिए नहीं लड़ाना, ये आधार नहीं है। कार्यकर्ता ही आधार है, मैं कार्यकर्ता हूं, पूजा पद्धति मेरी निजी, कोई मेरे से बारे में निर्णय करते वक्त में मेरा धर्म पार्टी के नजरों में आड़े नहीं आता है। तो टिकट जिन लोगों को दिया, 17 दिया है, 17 के 17 जीतेंगे। पिछली बार भी हमने 17 की 17 सीट जीती थी और नीतीश जी ने 16 की 16 जीती थी और रामविलास जी की पार्टी ने 6 की 6 जीती थी। एक सीट नीतीश कुमार जी 16 सीट जीते थे, एक रह गई थी। इस बार 40 की 40 जीतेंगे। बिहार में प्रधानमंत्री जी अभी जमुई गए, कल नवादा भी जा रहे हैं, प्रधानमंत्री का इंतजार हो रहा है, हर जगह जाएंगे और इस बार मोदी जी फिर से छा जाएंगे। लालू जी के साथ जब नीतीश कुमार थे तो बिहार में जंगल राज था, अब आपके साथ है, आप मंगल राज है? नहीं, हमने जब भी नीतीश कुमार जी के साथ, बीच में जरूर लालटेन टंग गया था, नीतीश जी खुद ही कह चुके हैं कि हम लोग मौका दे दिए, तो तब भी नीतीश कुमार जी ने कोई समझौता नहीं किया। कोई नीतीश कुमार जी ने वो जो उद्योग में, रोजगार में, लॉ एंड ऑर्डर में समझौता नहीं किया। मुझे उन्होंने जब मौका दिया था तो हमने उस वक्त में सरकारी नौकरी तो नीतीश कुमार जी ने 7 निश्चय पार्ट 2 में दिया है, तेजस्वी जी कह रहे थे कि हमने दिया, और हमने दिया तो आखिर आप शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे रामचरित मानस वाले चंद्रशेखर यादव, वो तो रामचरित मानस ही पढ़ने में रहे थे, सब काम तो किया मुख्यमंत्री जी ने और के पाठक। तो भी आप लोग आरोप लगाते थे ना कि बिहार में जंगल राज है लालू जी के आते ही? नहीं, जंगल राज हमने नहीं कहा, हमने ये कहा था कुछ अपराध बढ़ा था, जब आरजेडी आएगी ऑक्सीजन हटेगा और उसकी जगह जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कार्बन आ जाता है, तो जैसे कार्बन आ गया आरजेडी, लालटेन निशान भी है, वो धुआं भी छोड़ता है बहुत, उससे किसी को अगर बीमारी होती है दमे उमे की तो लालटेन से दूर रहने को कहते हैं, क्योंकि पॉल्यूशन फैलाता है, तो जैसे ही लालटेन आया पॉल्यूशन फैलने लगा। लेकिन जैसे कमल का फूल आया, शुभ शुभ कमल, नीतीश जी तो तीर है ना, नीतीश जी का तो तीर है, कमल पे बैठे हुए है ना। अच्छा, कमल पे बैठ, कमल के बैठ के तीर चला रहा है, धनुष वाला तीर नहीं है, उनका हाथ वाला तीर है, तो इसलिए आप तो निशान ऐसा बता रहे हैं, तीर कमान नहीं है, तीर है, तो तीर कमल पर बैठ के वो चला रहे हैं। सबका साथ सबका विकास, ठीक है। आप अपने बारे में कहते हैं कि आपके बारे में जब पार्टी फैसला करती है तो आपके धर्म को देखकर नहीं करती है, लेकिन पूरे हिंदी हार्टलैंड में या देश भर में एक सीट को अगर छोड़ दें, कहीं भी मुसलमान चेहरा बीजेपी का उम्मीदवार नहीं है, दूसरी पार्टियों से इम्पोर्टेड, जिसे हेलीकॉप्टर कैंडिडेट कहा जाता है आप लोगों की राजनीति की भाषा में, 100 के आसपास 421 उम्मीदवार घोषित हुए हैं, 121 कैंडिडेट जो हैं वो 100 से ज्यादा आप कह लीजिए बाहरी हैं। अब पार्टी में मुसलमान का जो भी नेता है, मुस्लिम नेता, उनको कहीं से कोई टिकट नहीं दिया गया है, ना ही अभी कोई राज्यसभा में थे, ना कैबिनेट में थे, अभी लास्ट जब कैबिनेट एक तरह से आप कह सकते हैं ये आखिरी कैबिनेट कुछ दिन पहले हुई थी, कोई कैबिनेट में मुस्लिम चेहरा नहीं था। देखिए, आप लोग कहते हैं कि संविधान, क्या संविधान में लिखा हुआ है कि धर्म के नाम पर टिकट बांटना है? नहीं, ये रिजर्वेशन है धर्म के नाम पे, अनुसूचित जाति के लिए तो है। तो जहां भी पार्टी पहले कौन 200 टिकट देती थी, जो नहीं दिया है, जब वोट हमें मिलने लगेगा उस समाज में भी, मुस्लिम समाज में भी अगर लगेगा कि हमें वोट मिल रहा है और उसमें उम्मीदवार मिल रहे हैं तो जरूर टिकट देंगे। टिकट नहीं देना इसका मतलब क्या है कि उनकी चिंता नहीं करेंगे? मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो सबकी चिंता की, सबके लिए गैस दिया, सबको कोरोना का टीका दिया, मकान दिया, सबको आयुष्मान भारत का कार्ड दिया, कोई ऐसी कमी तो छोड़ी नहीं कभी भी उन्होंने। नहीं, पार्टी, आपकी पार्टी के नेता ये कहते सुने जाते हैं कि हम तुष्टिकरण नहीं संतुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, इस पर क्या कहेंगे लास्ट का? हम लोग तुष्टिकरण नहीं करते, हम सबकी चिंता करते हैं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की चिंता करने वाले हम लोग हैं, और मोदी है तो किसी को दिक्कत की बात नहीं है। मोदी की गारंटी है कि धर्म जात पंथ के नाम पर कोई भेदभाव
न हुआ है न होगा। एक आखिरी सवाल आपके निजी आपके बारे आपके विषय में है। बिहार में कई सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ऐसा कहा जाता है कि उनसे भी आपको लगातार ऑफर मिलते रहते हैं, लेकिन शाहनवाज हुसैन को पार्टी कुछ बनाए न बनाए, क्या वो यहीं रहेंगे या आगे कुछ रास्ता तलाशेंगे? नहीं, देखिए, भारत में भारतीय जनता पार्टी में था, भारतीय जनता पार्टी में हूं, भारतीय जनता पार्टी में रहूंगा। मेरे नाम पे आप कसम खा सकते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पहचान दी है। मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा और मैं आपके चैनल के जरिए ये अपील भी करूंगा कि मुस्लिम समाज के लोगों से भी कि आप आइए बीजेपी के साथ। आएंगे मोदी, जब कांग्रेस मजबूत थी, हट्टी कट्टी थी, जब ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां थी, तो भी इन्होंने तो कुछ किया नहीं। अब आने वाले मोदी हैं तो अपना वोट क्यों बर्बाद कर रहे हैं? खुल के आइए मोदी के साथ, खुल के आइए एनडीए के साथ, खुल के आइए भाजपा के साथ और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में सहयोग कीजिए। शुक्रिया आपका न्यूज 24 से बातचीत करने के लिए। कैमरामैन जहांगीर के साथ कुमार गौरव, न्यूज 24 दिल्ली। गो पावर्ड बाय राकेश मसाले, असली स्वाद बांटने से बढ़ता है। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग। एसोसिएट स्पॉन्सर, नजदीकी डीलर पर जाएं, यूटीएल सोलर सन प्लस फ्री पाने का मौका पाएं। वेलकम टू एक्स्ट्रा विनिंग। टीम की जीत टीम के हाथ और तुम्हारी जीत भी टीम के हाथ। zoopy.com से ऐप डाउनलोड करो, खेलो लूडो और जीतो लाखों तक कैश अपने हाथ से। बाजी हाथ में तो टाई करो यार, डर लगता है। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। सिग्नेचर जो एक नया स्टाइल बनाए। सिग्नेचर, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। किडनी